दो दिन की मेहनत के बाद जो है ना पराठा बनाया। दादी आप क्या कर रही हो? डांस करने लगी ना। शाम दादा राम पानी पानी। रोमियल पे सर्दी आ गई है। वाह जी वाह, बड़ा प्यारा लग रहा है रोमी। कभी चेंज करना है ना। हाँ तो देख लो ऐसे ऐसे किसको। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। काफी दिनों बाद जो है पूरा प्रॉपर व्लॉग आएगा। काफी दिन से जो है ना बिल्कुल मूड नहीं था। तो अभी जो है वो नीचे भिंडी मैंने बनाई है बहुत ही मजे की, तो उसकी रेसिपी जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे जो है वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं किचन में और भिंडी को हमने कर लेना है फ्राई। बहुत ही कम मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा ऑयली जो फ्राई करते हैं ना ज़्यादा ऑयल में, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो हल्का सा नमक डाला है, फिर हमने हल्दी डाल ली है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर मसाले में भी थोड़ी पकानी है। हाफ कुक हमने करना है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रही हूँ। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, नमक, चाट मसाला और हल्दी, अच्छे से जो है ना वो भिंडी के अंदर चला जाएगा और एक बहुत यमी सा जो है ना वो भिंडी के अंदर से भी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे साथ में हमने बनाया हुआ है खिचड़ी जो भी कह लें, तो ये बहुत मज़े का है। और मैं पता नहीं किसको डाल के दे रही थी, हाँ शायद खुद ही खाने लगी थी। तो यहाँ पे साथ में जो है ना वो मेरी भिंडी जो है ना वो फ्राई हो गई है हाफ कुक, जैसे मैंने कहा है वही करनी है। और ये देख लें, आपको ऑयल जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा। और जब एक हाथ में कैमरा हो और साथ में आप कुछ कुकिंग कर रहे हो ना, फिर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। अच्छा जी, भिंडी हमने निकाल ली है और साथ में अभी जो है हम मसाला बना लेंगे। ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, जब कटकट आने लग जाए ना ज़ीरा, तो फिर उसके बाद हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। दो बड़े चम्मच जो है भर के मैंने डाल दिए हैं और इन चीज़ों को जो है ना हमने थोड़ा सा कर लेना है फ्राई, लहसुन अदरक हरी मिर्च और ज़ीरा। अच्छा जी, जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए चीज़ें, फिर हमने इसमें ब्राउन प्याज डाल देने हैं। आज की जो भिंडी है ना, इसका मसाला जो है ना मैं ब्राउन प्याज से ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जो है ना वो टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। ये वाली लाल मिर्च जो है ना ये बहुत तेज़ है, इसलिए मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। और साथ में यहाँ पर मैंने डाला है तिक्का मसाला। इतनी मज़े की ये भिंडी जो है ना वो बनने वाली है कि बस आपने जो है ना वो मुझे दुआओं में याद रखना, अगर ये आपने ये ट्राई की तो, अगर नहीं की तो फिर देख के ही जो है ना वो खुश हो जाएं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ये सारे मसाले डाले ना, तो थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया, वो इसलिए कि सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से भुन जाएँ, पक जाए, कच्चापन जो है वो ना रहे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पक गया है। अब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, चिली सॉस डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे केचप। केचप जो है वो गार्लिक पे गार्लिक वाला है तो वो भी डाल सकते हैं, ये सादा है, सादा मैं डाल दूंगी। अच्छा जी, मैंने टमाटर नहीं डाल रही ना, मैंने केचप डाला, तो इसलिए मैंने थोड़े से मसाले ना तेज़ रखे हैं, स्पाइसीज, मतलब मैंने तिक्का मसाले भी डाला है, वो चाट मसाला भी डाला है, लाल मिर्च भी डाली है, तो फिर जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना मीठी मीठी जो है ना वो टेस्ट अच्छा नहीं देगी भिंडी। थोड़ा सा पानी डाला है और इसको पका लेना है ताकि सारे जो है वो केचप मसाले सब अच्छे से पक जाए। देख रहे हैं आपके सामने ये शक्ल उभर के आई है पकने के बाद। अब यहाँ पर हम इसमें जो है ना अचार जो है, क्या कहते हैं, तिक्का मसाला जो है ना मैंने और डाला है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, आप चेक कर लीजिएगा जैसे आपको सही लगे। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और मसाला डाला है, साथ में थोड़ा नमक भी डाला है। जब हमने फ्राई की थी तो थोड़ा सा नमक डाला था उसमें भी और थोड़ा इसमें डाल दिया है, मेक श्योर के नमक ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं काली मिर्च, साथ में डाल रहे हैं गर्म मसाला और इनको भी जो है हम पका लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनमें। पहले जो है ना ज़्यादा पहले काली मिर्च और गरम मसाला नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा बाद में डालना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर जो है ना वो रहे। अच्छा जी, मसाला हो गया है रेडी और अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। एक दो चीज़ बाकी है वो भी अभी डालेंगे। अच्छा, इस मसाले में अब हम इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। वो पानी डालने की वजह ये है
कि जितना भी मसाला ना थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और भिंडी के अंदर तक जो है ना ये सारा मसाला अच्छे से चला जाए। ड्राई ड्राई रहेगा ना तो फिर वो भिंडी अलग रहेगी और मसाला अलग रहेगा। अब जो है ना ये पानी डालने से सारा मसाला इसके अंदर तक जाएगा। अच्छा जी, फाइनली अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन पाउडर, जो कि इस भिंडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और साथ में ये प्याज, ओ माय गॉड, कुरकुरे प्याज भिंडी में इतने मज़े के लगते हैं। हल्के से हम इसको जो है वो इसमें पकाएंगे, मतलब पकाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए, जस्ट इतना कि बस थोड़ा सा जो है ना प्याज नरम हो जाए, बिल्कुल गलाना नहीं है, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। ऊपर से डाल देना है फ्रेश धनिया और हमारी मज़ेदार भिंडी जो है ना रेडी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी अपनी कवर साफ, काफ़ी काम है वो, इसलिए कि गर्मी जो है वो ख़त्म हो रही है और सर्दी आने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है गर्मियों के कपड़े निकालना और सर्दियों के कपड़े रखना। तो आज थोड़ा सा वही काम कर रही हूँ और वीनू का भी दिखाती हूँ। वीनू ने पूरी अपनी कवर जो है वो सेट की है और बहुत मेहनत की, 2 दिन उसको लग गए, अभी भी कुछ काम बाकी है, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं अपनी कवर डाल इस तरीके करके मैं इस तरह जो है ना वो हैंगर्स में डाल रही हूँ और साथ साथ जो है ना वो जो पतले कपड़े हैं ना वो निकाल रही हूँ और जो अभी पहने जाएंगे ना वो मैंने सारे इस तरह जो है ना वो रख दिए हैं। और ये तानू का सूट है, अभी तक जो है ना वो इसने पहना नहीं है, अब पता नहीं वो कब पहनेंगे। तो ये सारे इस तरह और नीचे है, अब देखती हूँ कि इनमें से, वैसे बहुत पतले वाले कपड़े मैंने निकाल दिए, सारे पहनने वाले ही हैं, इनमें से भी थोड़े से मैं जो है ना वो निकालूंगी। जैसे ये मेरा कुर्ता है ना, ये बहुत पतला है, तो इसको भी मैं निकाल दूंगी। अगर हम लोग ये काम नहीं करते ना तो फिर बहुत मैसी हो जाती है कबर्ड्स और आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो घर को मैनेज करके रखें, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता है, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं, कुछ आसान और इजी लगता है। तो चलते हैं नीचे और खाते हैं भिंडी। इधर आप बात सुन, और फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद जो है ना वीनू की कबर्ड साफ हो गई। वीनू ये देखो कितने प्यारे हुए हुए पीछे भी रखे पर्स, और ये सारे इस तरह सारे गर्म कपड़े और सारे वो गर्मियों वाले कहाँ गए, ऊपर ऊपर रख के आ गया, इतने कपड़े थे सारे। अच्छा शलवार के में सारे रिमूव कर दिए, तो अगर चर्च जाना या कहीं ऐसी जगह जहाँ शलवार में है कुछ, अच्छा ये है, ठीक है, वेरी गुड। और ये सारी अकेली मेहनत है इसकी, इसको भी बोलो अपनी कबर्ड साफ करे। इसकी कबर्ड मैं दिखा दूं ना, सारे सारे डर जाएंगे, इतनी गंदी कबर्ड की हुई है, हाँ नहीं है। पर ये देखो, वैसे कहते हैं पेंटे नहीं है और इतनी सारी देखो पेंटे है, थर्टी फाइव है, तो 35 कम होती है तुम दोनों के लिए, इसकी थोड़ी है, इसकी अभी अच्छा ठीक है, ये देख लो। और इसकी भी मैं अभी आज तो खैर मुझसे नहीं होगी क्योंकि मैं अपने भी कर रही हूँ, हाँ 2 पैंटे अभी जो बर्थडे पे मिली है वो तो अभी तक तुमने टच भी नहीं की। मैं सोच रही हूँ वो क्रिसमस पे पहन लेगा, है ना, तो इतनी महंगी है क्यों, तो वो नई नहीं है, हाई ला 4.5 वो आपने वीडियो फिर क्यों जी नहीं, नहीं। वो कब पहनी है जो नया गिफ्ट है 4,500 वाली, वो तो पहनी नहीं, बल्कि 5 की थी ऑलमोस्ट, हाँ। और इतनी अपने साइज की, दरअसल इसके गिफ्ट भी नहीं ना दिखाए। तो नीचे पराठे जो है ना वो रेडी है, आपकी दादू ने बनाए हैं और भिंडी है, तो आ जाओ खाते हैं खाना। ओए ओए की हो गया, फ्रिज बंद क्यों किया हुआ, और कीता सी जो चलिया सी उदो बंद कीता सी, अभी तो धूप आ गई है ना तो चल रहा है। पराठा इनके लिए पराठा बनाया है। दादी आप क्या कर रही हो, डांस करन लगी ना, तेनू नहीं नजर आ रहा की दादी कर रही है, दादी क्या कर रही हो, दादी डांस कर, ए दादा तेरी ने डांस किया हुआ पता तुझे, जब हमारी माई मैं कहती ये पानी लेके जा दादा को पहले दे के आ, बाप को जा दे गिलास है, ये दे गिलास ले जा, गिलास ले जा। राम दादा राम दादा डांस करो, इंडिया का बहुत 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 मजे का खाना खाला, क्या क्या जबाना बोल, तेरी शादी पे डांस करांगे, तेरे पापा की शादी पे भी किया था, बताऊं किस पे, ओढ़नी ओढ़ के नाचू
ओके नहीं मिला दो पैटी तो सौ पैटी बनाती दो पहले रोटी खानी है पूरी हाँ रोटी खानी है रोटी नहीं मैं खा रहा हाय भैया ने बनाया दिखाओ इतनी मजे की भिंडी भी ना तू बता कैसी बनी भिंडी अच्छी बनी है ना भिंडी पहले खाएगा तानू और बताएगा तानू का ओए रोमी जरा शूज सीधे कर दे बहना के रोमा कैसी बनी है भिंडी अच्छी मजे की मुझे तो बहुत सबको बहुत पसंद आई है साथ में बर्गर भी खा रहा है मेरा बेटा गुड खाना खा के नहा के अब तानू कर रही है फन ये सुनती कौन सी गेम कौन सी है अभी तानू पहले जाएगी सिंधी पढ़ने फिर उसके बाद जाएगी लो इतना शोर तानू मैंने कुछ भी नहीं किया भाई नहा के वही कपड़े पहन दी ना जो ट्यूशन पहन के जाने फिर चेंज करने पड़ेंगे चल उठ जा बस कर बहुत हो गया दो गेम ही बहुत होती है उठ जा देर हो रही है जल्दी चलो देर हो रही है पता नहीं क्यों हमेशा लेट कर देते सिंधी की कॉपी है आज था ना पीरियड सिंधी का चले जाओ ओके बाय मैं फोन कर रही हूँ ठीक है रोमियल पे सर्दी आ गई है वाह जी वाह बड़ा प्यारा लग रहा है रोमी है और ये किसने उठाने ये कपड़े किसने उठाने हैं पता नहीं है माँ उठाए देख मैंने भी निकाले अब मैं भी नहा के पहनने लगी हूँ अब ये नहीं पूछना कहाँ जा रहे हो आज अगर मैं पहनने ही लगी हूँ जब पहनती हूँ ना शाम में अच्छे मतलब अच्छे तो नहीं खैर चेंज करती हूँ तो फिर पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो आज नहीं पूछना ठीक है कैप नहीं पहनना अच्छा लग रहा था छोड़ दे यार छोड़ ना कौन से अच्छा जूते पता नहीं मुझे नहीं पता निशा ने रखे निशा ने अपने भी रखे हुए हैं रखी है नीचे हाँ सर्दियों में वैसे मजा आता है कपड़े पहनने का मुझे तो अच्छी लगती है सर्दियाँ गरम शॉल्स लो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो मोटे कोई भी कपड़े पहन लो कोई टेंशन नहीं होती गर्मी की गर्मियों में तो आपको बड़ा सोच के पहनना पड़ता है कि कौन से कपड़े पहने कौन से ना पहने क्या हुआ हाँ मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था मतलब क्या मैं हुडी तो पहनती हूँ इतनी गर्मी लगी मुझे मैंने उतार गर्मी इतनी गर्मी भी नहीं आप ऐसी जगह पे बैठे होगे जहाँ पे पंखा नहीं होगा अभी मौसम नहीं है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा हाँ मतलब इतना नहीं थोड़ी सी फुल आस्ती में पहन लो थोड़ी सी मोटा स्टफ पहन लो बट नॉट हुडीज तो मैंने कुछ कहा नहीं मैंने कहा ये अब पहनी है तो फिर बोलेगा अच्छा हुआ कि खुद ही तुम्हें रियलाइज हो गया चल चाय क्या चाय मैं अभी गई नहीं नहाने और आप आ गए चल जा चाय बनवा वीनू को बोल या दादू आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि तानू का जो है वो यूनिफॉर्म धो लूँ इसलिए कि एक यूनिफॉर्म पे जो है ना इसने स्लाइम लगा लिया और ख़राब हो गया और अभी सिर्फ एक बचा है और ये इतना गंदा कर देती है कि दो दिन बिल्कुल नहीं पहना जा सकता एक दिन पहनती फिर मुझे धोना पड़ता है और टाइम नहीं मिल रहा कि हम दूसरा जाके ले आए तो पहले यूनिफॉर्म इसका धोते हैं फिर मैं नहाऊं मैं ऊपर आई थी तानू का यूनिफॉर्म धोने और साथ में नहीं कर बदतमीजी और साथ में उतारूंगी कपड़े क्योंकि धुले हैं तो रोमी मेरी हेल्प कराएगा कराओगे किसने कहा करा दो चल ट्राई हो गया ना ये देखो ये सारी टी शर्ट्स हैं ये उतारो ठीक है बाकी यहाँ से मैं उतारती हूँ गीले नहीं उतारना जो ड्राई हैं बस वही उतारने ठीक है बिल्कुल लग गई चोट ये देख और ये कितना रेड हो गया कितना रेड हो रहा है इंसानों की तरह राह करना फजूल में इधर उधर मस्तियां करता है जब वो पेन किलर खा ले पेन किलर खा ले जा निशा भी आ गई निशा कबर्ड देखी है हैं ये खोली आपने अभी हाँ, मैं देखनी तो फिर बंद किसने करनी थी
कभी चेंज करना है ना। हाँ तो देख लो ऐसे ही किसको रहने देना, नहीं तो वो मारेगी बड़ी गुस्से में है। इतनी उसने मेहनत की, मुझे समझ नहीं आई क्या सोच सोच के ऐसे उसने कपड़े रखे और कहती है अब हमें पता चलेगा कि क्या निकालना और क्या पहनना। और ये सारे सलवार मिस, ये तो दिखाओ क्या कलर्स ने किए, क्या किया? अच्छा लाइट ये ब्लूइश फिर ग्रीनिश और ये सारी ब्लैक। हाँ मतलब बहुत अक्ल है उसमें, बहुत अक्ल है। की शो निशा की कबड़ बन गई है साफ सुथरी, काम कुछ किया हो चुका हूं, मैं ये नहीं कुछ नहीं हुआ वो तो, ओ कुछ नहीं हुआ, कबड़ बंद कर आ जाओ नीचे। मीनू ने बनाई है स्पेगेटी और रोमी पैक, नहीं दे रही वो रहने दे छोड़ दे, क्यों सताया उसको पहले है, नहीं ना निशा को दे रही है कि नहीं। अच्छा वो अब मुझे समझ आया पर क्यों के नहीं लगाने देती, पूछो क्यों, क्यों निशा को भी नहीं दे रही। अच्छा छोड़ दो ना चाय ले क्या, अच्छा मम्मा इतनी चीजें बना के देता, चल दे दे वो तन वाली प्लेट इसको दे दे, चल छोड़ दे रोमी जब उसका दिल चाहेगा वो खुद ही दे देगी, छोड़ दे दीदी ने बनाई है, इधर आ बात सुन इधर आ, ये स्पेगेटी नहीं कर रोमी स्पेगेटी पड़ी हुई खा ले, इतना चिकवाते हैं मुझे मेरा तो सर में दर्द, खा ले पैसे खराब करवा रही थी। बाजी कहती होगी तेरी मम्मा ऐसे पर्स रख देती है। हाँ दिखाओ कितने पैसे। अच्छा हाँ हम भी हो गए थोड़े से फ्रेश और मेरा भी दिल कर रहा है खाने को, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी मैं चाय पीऊंगी। रोमी लाया मेरे लिए चाय, थैंक यू रोमी, और साथ में लाया बिस्किट, ये बिस्किट ना आए थे इंडिया से लाहौर से, ये देखो इतने मजे के बिस्किट हैं, इसमें नट्स ही नट्स हैं, ये देखो बड़े मजे के हैं। पता नहीं क्या नाम था मैं भूल गई, खलीफा खलीफा था, डिब्बे में थी पूरा डिब्बा खा गए हम लोग, इतनी मजे की थी। तो अभी हम करेंगे वीडियो का एंड और साथ में एंजॉय करेंगे चाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।